ये देखो बाथरूम से लोग पीने का पानी लेकर जा रहे हैं, बाथरूम में इतनी गंदगी है आप देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बेलगाम होने के बाद स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। आलम यह है कि कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाथरूम से पानी लेकर पीना पड़ रहा है। मामला शामली जिला मुख्यालय पर स्थित कोविड 19 अस्पताल का है, जहां अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज बाथरूम से पानी लेकर पीने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कोविड अस्पताल की वीडियो में कोरोना पॉजिटिव मरीज बद इंतजामी का हवाला दे रहे हैं। वीडियो में मरीज अस्पताल में पेयजल व्यवस्था ठप होने पर बाथरूम की लाइन से पानी लेकर पीने का दावा कर रहे हैं। मरीजों का आरोप है कि पूरे अस्पताल की पेयजल व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिसके बावजूद भी यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। पानी जो पानी कल से खराब है वो कहाँ से ला रहे हैं आप? बाथरूम में से ला रहे जी। ठंडा पानी या गरम? गरम पानी। बाथरूम का जो गीजर है उससे गरम पानी? बोलिए, पानी कहाँ से ला रहे हैं भाई साहब? बाथरूम में से ला रहे हैं कल से। पानी नहीं है, नहीं मशीनें खराब है। अंकल जी पानी की व्यवस्था कैसी है? कल 12 बजे से खराब है भाई। कल 12 बजे से खराब है तो कहाँ से ले रहे पानी? बाथरूम में जो नाले का पानी है उससे पी रहे। आप 3 दिन से एडमिट है, पानी की व्यवस्था कैसी है? तो बाथरूम वाला पी रहे। बाथरूम का पानी पी रहे? ठंडा या गरम? गरम। जो गीजर लगा हुआ है बाथरूम का? आप कब से भर्ती है? पानी कहाँ से ला रहे? बाथरूम से ही। पानी की समस्या को लेकर परेशान कोरोना मरीजों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शामली जनपद में कोविड हॉस्पिटल की एक वायरल वीडियो के संबंध में ये बताना है कि वहाँ कल रात में पीने के पानी के जो आरओ हैं वो कहीं माल फंक्शन हो गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए CMS ने वहाँ पे अल्टरनेट व्यवस्था करी है। वहाँ कैंपर से पीने का पानी पेशेंट्स को दिया जा रहा है और वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर से उसकी रिप्लेसमेंट के लिए या उसको सही करने के लिए आज टीम पहुँच रही है, टेक्निकल टीम पहुँच रही है, जो उनको आरओज को रिप्लेस कर देगी या उसको सही कर देगी। इसके अलावा हमारा स्टाफ, क्योंकि पेशेंट्स तुरंत वहाँ संख्या बढ़ गई है, हम एक्स्ट्रा स्टाफ आज शाम तक डिप्लॉय कर देंगे ताकि किसी प्रकार से कोविड हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स को कोई समस्या ना आए। डीएम ने आदेशों के बाद आनन फानन में कोविड अस्पताल में कैंसर रखवा कर मरीजों के लिए पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था करा दी है, जिसके बाद मरीजों ने राहत की सांस ली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।